हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। तो हम इस कहानी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Once a rich old lady asked a well-known artist to paint her portrait. The artist worked hard on the portrait for many days. When the portrait was ready, he invited the lady to his studio. एक बार एक अमीर बूढ़ी औरत ने एक प्रसिद्ध कलाकार को अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। कलाकार ने कई दिनों तक पोर्ट्रेट पर काफी मेहनत की। जब पोर्ट्रेट तैयार हो गया तो उसने महिला को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो। शी हैड हर पेट डॉग विथ हर। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग। शी बिलीव्ड डेट इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटल एनिमल इन द होल वर्ल्ड। बूढ़ी औरत स्टूडियो आई, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी था। उसे कुत्ते से बहुत प्यार था। उसका मानना था कि पूरी दुनिया में वह सबसे चतुर जानवर था। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग। लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड, हियर इज योर मिस्ट्रेस, बट द डॉग शोड नो इंटरेस्ट। महिला ने कुत्ते को अपना पोर्ट्रेट दिखाया और कहा, टॉमी डार्लिंग, यह देखो तुम्हारी मालकिन। लेकिन कुत्ते ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह औरत अपना पोर्ट्रेट डॉग को दिखा रही है, पर डॉग पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट एंड सेड, I don't want this portrait. It does not look like me at all. Even my clever animal cannot recognize me in the portrait. धनी महिला ने कलाकार की ओर देखा और कहा, मुझे यह पोर्ट्रेट नहीं चाहिए। यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखता। यहां तक कि मेरा चतुर जानवर भी मुझे इस पोर्ट्रेट में नहीं पहचान सका। The artist was a man of worldly wisdom. He knew about the strange ways of the wealthy people, so he did not argue. कलाकार संसारिक ज्ञान का व्यक्ति था। वह अमीर लोगों के अजीब तरीकों के बारे में जानता था, इसलिए उसने बहस नहीं की। He simply said, "Madam, please come again tomorrow. I will make the portrait look so real that your Tommy will wag its tail and lick it." वह बस इतना बोला कि मैडम आप कल आइए, मैं पोर्ट्रेट को इतना रियल, इतना वास्तविक बना दूंगा कि आपका टॉमी अपना दुम हिलाएगा और इसे लिक करेगा। लिक करने का मतलब होता है चाटना। The next day, the lady visited the studio again. This time, the dog wagged its tail and ran to the portrait. It licked it with great interest. अगले दिन महिला फिर से स्टूडियो आई। इस बार कुत्ते ने अपना दुम हिलाया और पोर्ट्रेट की ओर भागा। उसने पोर्ट्रेट को बड़े ही चाव से चाटा। The lady said, How wonderful, how beautiful. My Tommy likes the portrait and so do I. Please wrap it up. The artist asked for a big price and she paid it willingly. महिला ने कहा, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। मेरे टॉमी को पोर्ट्रेट पसंद है और इसलिए मुझे भी। इसे रैप कर दो। The artist asked for a big price and
शी पेड इट विलिंगली। कलाकार ने बड़ी कीमत मांगी और महिला ने स्वेच्छा से भुगतान किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट्रेट जो आर्टिस्ट ने पहले बनाया था ये कितना सुंदर पोर्ट्रेट था, लेकिन इस लेडी ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये जो दूसरा वाला पोर्ट्रेट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन डॉगी इसको चाट रहा है। द आर्टिस्ट हैड अ हर्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट। ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट। इट्स ए स्मेल हैड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट। जब वह औरत चली गई तो कलाकार को बहुत हंसी आई। उसने पोर्ट्रेट पर मांस का एक रसदार टुकड़ा रगड़ा था, जिसके गंध ने कुत्ते को पोर्ट्रेट को चाटने पर मजबूर कर दिया था। तो ये डॉग जो है इस पोर्ट्रेट को इसलिए चाट रहा है क्योंकि इस पोर्ट्रेट में मीट का जूस लगा हुआ है। पर उस लेडी ने आर्टिस्ट के ट्रिक को नहीं समझा और वह बिग प्राइस दे देती हैं पोर्ट्रेट के लिए जो कि आर्टिस्ट के द्वारा मांगा गया था। नाउ लुक एट इट्स एक्सरसाइजेस। कम टू 8.2। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी कंप्लीट द फॉलोइंग। द रिच लेडी आस्क द आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट। द लेडी रिफ्यूज्ड टू टेक द पोर्ट्रेट एज हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट। द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्गू विद द लेडी बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम एंड ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल। द आर्टिस्ट मेड टॉमी लिक द पोर्ट्रेट बाय रबिंग अ जूसी पीस ऑफ मीट ऑन इट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर एंड राइट। कम टू 8.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द आर्टिस्ट लाफ आफ्टर द लेडी हैड लेफ्ट द स्टूडियो। द आर्टिस्ट लाफ्ड आफ्टर द लेडी हैड लेफ्ट द स्टूडियो बिकॉज ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट। द लेडी एडमायर्स हर डॉग फॉर इट्स क्लेवरनेस। डू यू थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर। नो आई डोंट थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर। इंस्टीड ही वॉज जस्ट लाइक अदर एनिमल्स। द लेडी वॉज फुलिश। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। द लेडी वॉज फुलिश बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड डेट द आर्टिस्ट हैड प्लेड अ ट्रिक अगेंस्ट हर बाय रबिंग द पोर्ट्रेट विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट। सो स्टूडेंट्स यहां पे हैज नहीं लिखिएगा, हैड। हाउ वॉज द आर्टिस्ट रिवार्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस। ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस विथ अ बिग प्राइस फॉर द पोर्ट्रेट ही हैड मेड। 8.4। टिक द करेक्ट आंसर्स। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग बिकॉज शी थॉट इट वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। द लेडी रिफ्यूज्ड टू टेक द पोर्ट्रेट द फर्स्ट टाइम बिकॉज हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट। द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्गू विद द लेडी बिकॉज ही वॉज अ वर्ल्डली वाइज मैन। नाउ कम टू 8.5। कंप्लीट द टेबल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। Clever, cleverer, cleverest. Bad, worse, worst. Near, nearer, nearest. Fat, fatter, fattest. Good, better, best. Little, less, least. तो बच्चों आप इस चार्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा काम में आता है। Now come to 8.6. Complete the following sentences with words from the boxes. An artist uses a brush to paint pictures. A boatman uses oars to row his boat. A teacher uses a piece of chalk to write on the blackboard. A doctor uses a thermometer to take your temperature.
Now come to 8.7. The following words have been taken from the story. Their opposites are given in the pot. यहाँ पे एक पॉट दिया हुआ, इसमें अपोजिट दिया हुआ है इन वर्ड्स का, उसको आपको ढूंढना था. देखिए लाफ का क्राई, ये देखिए सर्कल किया हुआ था. ओल्ड का यंग, ब्यूटीफुल अगली, वेल्दी पुअर, क्लेवर फुलिश. इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिख भी लेना है. नाउ कम टू 8.8. कंप्लीट द टेबल विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस. One has been done for you as an example. देखिए describing word इधर हो गया, यहाँ पे naming word और last में जो phrase use हुआ है story में उसको हमें लिखना है. तो यहाँ पे देखिए describing word old है, naming word lady और phrase बन गया an old lady. ठीक उसी प्रकार से describing word well known, naming word artist और phrase हो गया a well known artist. Describing word wealthy, naming word people और phrase बन गया wealthy people. Describing word big, naming word price और phrase हो गया a big price. Describing words juicy, naming word piece of meat और phrase बन गया a juicy piece of meat. Artist, studio, portrait, strange, वेग. 8.10 लाइफ स्किल्स. डू यू अप्रिशिएट द आर्टिस्ट फॉर हिज क्लेवरनेस. क्या आप उस आर्टिस्ट का तारीफ करेंगे जो क्लेवरनेस उसने दिखाया है. कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट और स्टोरी वेयर द क्लेवरनेस ऑफ ए पर्सन गॉट हिम रिवार्ड. क्या आप इसी प्रकार का कोई दूसरा स्टोरी आप सुना सकते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने क्लेवरनेस, अपने बुद्धि के दम पे प्राइज जीता हो, इनाम जीता हो. 8.11 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. इज क्लेवरनेस अ पॉजिटिव वर्च्यू और अ नेगेटिव क्वालिटी. डिस्कस साइटिंग रीजन. It depends on how one uses cleverness. A person can use it to solve problems in the society, while it can also be used to cheat others and commit crimes. For example, if a hacker hacks your account illegally, then it's a negative quality. Now come to 8.12. Imagine that the rich lady of the story is your aunt. आपको ऐसा कल्पना करना है कि जो स्टोरी में रिच लेडी हैं, वो आपकी aunt हैं. She has written to you how she decided to purchase her portrait. वह आपको लिखती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने डिसाइड किया था पोर्ट्रेट को परचेज करने के लिए. Would you appreciate her purchase? क्या आप उनके परचेज को अप्रिसिएट करेंगे? Write a letter to your aunt expressing your feelings in the space provided. I have written this letter in order to help you. You can just copy it down if you are unable to write it by yourself. Otherwise, you can write this letter by yourself. Write your name here. If you think this video is helpful for you, please, please, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.